आज हम बनाने जा रहे हरे धनिए की चटनी और इमली की चटनी। दो तरह की चटनी बनाने वाले, हरी चटनी और लाल चटनी, जो कि चाट, पकौड़े, टिक्की, समोसे सभी के साथ काम आती है। तो इस बार होली पे जरूर हाय ट्राई फ्रेंड्स, मैं कीजिएगा। गीता वर्मा GeetaKino.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक हफ्ते का लंबा ब्रेक लेने के बाद अब मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो आप लोग सोचोगे कि एक हफ्ते मैम कहाँ थी, तो एक हफ्ते मैं गई थी वैष्णो देवी ट्रिप पे और पटनी टॉप ट्रिप पे। तो अगर आप देखना चाहते कि मैंने वहां पर किस तरह से इंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ, तो आप मेरा वैष्णो देवी ब्लॉग और पटनी टॉप ब्लॉग देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और मैंने पहले कभी ब्लॉग नहीं बनाया है, हो सकता है बहुत सारी मिस्टेक्स हो, तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेरी क्या मिस्टेक है तो प्लीज जरूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा ताकि मैं अपनी जो कमियां है उसे सुधार सकूं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा है और होली के ऊपर है, तो आप जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पे एक तवा रख लेंगे, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये 2 टेबलस्पून जीरा। तो हमें दोनों चटनी के लिए भुना हुआ जीरा चाहिए, तो इस जीरे को हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो हमें दोनों चटनी में ही भुना हुआ जीरे की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इसे पहले भून लेते हैं। और मैंने दोनों का ही एक साथ भून लिया है ताकि जो मिक्सी का जार है उसमें हम आसानी से जीरे को पीस सकें, क्योंकि जब क्वांटिटी में कम होता है कोई भी चीज़ तो वो मिक्सी में आसानी से नहीं पीस पाती है। अगर ज़्यादा होगी तो आसानी से पीस जाएगी, अगर आपको कम पीसनी हो तो आप अदरक कूटने वाली ओखली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट इसे भून लिया है और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब इसे हम मिक्सी में इस तरह से पीस लेंगे, तो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी रखनी पड़ती है मिक्सी में पीसने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है, बिल्कुल बारीक पाउडर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आधा जो जीरा पाउडर है वो हम निकाल लेंगे, हमें सारा इस्तेमाल नहीं करना है। तो आधा हम मिक्सी के जार में छोड़ देंगे और आधा हम अलग निकाल लेंगे प्लेट में। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ढक्कन में लगा हुआ है, ये भी मैं जार में डाल लेती हूँ। तो यानी कि 1 टेबलस्पून हम अलग कर लेंगे, 1 टेबलस्पून अलग कर लेंगे। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे ग्रीन चटनी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जार में हम ग्रीन चटनी बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 1 टेबलस्पून जीरा ले लिया है। 7-8 लहसुन की कलियाँ ऐड कर देंगे इसमें। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं इसके। 4 हरी मिर्च ले रही हूँ, हरी मिर्च की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पे 50 ग्राम के करीब मैंने पुदीना की पत्तियाँ ली हैं और 100 ग्राम मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया, जिसकी डंडियाँ मैंने नहीं निकाली है, डंडियों में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। तो चटनी पीसते टाइम आप धनिया की जो डंडी होती है उसे ना निकालें। और इसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया था। जितना आप धनिया लेंगे उसका आधा पुदीना लेना है। और यहाँ पे 200 ग्राम के करीब मैंने दही लिया है, दही आपका खट्टा होना चाहिए तभी आपका आपकी जो चटनी है वो टेस्टी बनेगी। तो अगर आप दही नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो यहाँ पे इमली का पल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पर काला नमक डाल दूंगी, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून के करीब हम यहाँ पे सफ़ेद नमक ऐड कर देंगे, तो दोनों ही नमक का अलग टेस्ट होता है, दोनों ही ऐड करेंगे जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चटनी को पीस लिया है और आप देख सकते हैं कितनी ग्रीन चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। और एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, जिससे कि और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और ये बिल्कुल बाजार जैसी आपने चाट पकौड़ी में खाई होगी, आपने भल्ले खाए होंगे, आपने जब भी आप बाज़ार में चाट खाते हैं तो उसके साथ ग्रीन चटनी मिलती है, या फिर समोसे खाते हैं ग्रीन चटनी मिलती है। तो कोई भी चाट पकौड़ी के लिए ये आप बाज़ार से खाते हैं तो आप इस तरह से घर में बना सकते हैं, बिल्कुल टेस्टी चटनी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो ये हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो गई, देखा ना कितना ईजी था इसे बनाना। तो ये देखिए कितनी बढ़िया चटनी तैयार हुई है। तो इस तरह से आप इसे होली पे बना सकते हैं और किसी भी चाट के साथ, समोसे के साथ, पकौड़ों के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, भल्ले के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे अपनी रेड वाली चटनी, जो कि इमली की चटनी है। और यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 150 ग्राम इमली। तो यहाँ पे मेरे पास ये 250 ग्राम इमली है, जिसमें से मैं थोड़ी सी बचा लूँगी करीब 100 ग्राम के करीब। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम डाली है और यहाँ पे जो गुड़ इस्तेमाल करूँगी मैं
वो करने वाली हूँ 250 ग्राम। तो इमली में थोड़ा सा कम रख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है। आप चाहे तो दोनों चीज़ें बराबर रख सकते हैं अगर खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो। मैं यहाँ पे खट्टा थोड़ा कम रखूँगी और यहाँ पे मैंने ये 250 ग्राम गुड़ लिया है जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं जो चटनी है वो बिल्कुल थिक बनाने वाली हूँ, गाढ़ी बनाने वाली हूँ ताकि हम उसे 6 महीने तक स्टोर करके रख सकें। अगर आपको इंस्टेंट यूज़ करनी है तो आप इसमें डबल पानी ऐड कर सकते हैं, 2 गिलास पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थिक चटनी बनाऊंगी। तो इस तरह से अच्छे से बॉयल आने देंगे। जैसे जैसे बॉयल आएगा जो इमली है वो अच्छे से घुल जाएगी पानी के अंदर और जो गुड़ है वो भी मेल्ट होता जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे देखेंगे आपका जो मिक्सचर है वो गाढ़ा होता जाएगा। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। गैस को धीमा कर देंगे, धीमे धीमे पकने देंगे। और यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। जो हमने जीरा भून के पीस के रखा हुआ था वो हम ऐड कर देंगे, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसे धीमी आंच पे पकने देंगे क्योंकि हम गाढ़ी चटनी बना रहे हैं। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून के करीब सफ़ेद नमक ऐड कर देंगे। इसमें भी हम दोनों ही नमक ऐड करेंगे जिनका अपना अपना अलग टेस्ट होता है। और धीमे धीमे आंच पे इसे पकने देंगे। 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे सौंठ का पाउडर ऐड कर रहे हैं, जो सूखा हुआ अदरक होता है उसका पाउडर ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब कश्मीरी मिर्च, जिससे कि बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। जो रेड कलर जो शॉप वाले होते हैं, दुकान वाले होते हैं मार्केट में, वो क्या करते हैं इसमें कलर ऐड करते हैं रेड कलर पर। हम यहाँ पे रेड कलर नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पे उसकी जगह हम कश्मीरी मिर्च ऐड कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है और कलर बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हैं चटनी का कलर कितना रेड हो गया है और ये काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, गैस बंद कर देते हैं और इसे हम छान लेंगे ताकि जितना भी पल्प है वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है जिसके ऊपर एक बड़ी सी छन्नी रखी है और इसमें हम इस सारी जो चटनी है उसे छान लेंगे। ये देखिए किस तरह से मैं इसे छान रही हूँ, जितना भी स्मूथ पेस्ट है वो सारा नीचे आ जाएगा और जितना भी पल्प है वो सारा ऊपर रह जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पल्प, क्योंकि मैंने चटनी गाढ़ी बनाई है तो इसलिए पल्प में भी आप भी काफ़ी आपको दिख रहा होगा मिक्सचर। तो इसे पल्प को मैं फेंकूंगी नहीं अभी, इसे हम मैं साइड में रख देती हूँ, इसे एक बार और इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये देखिए सारा जो जितनी भी चटनी थी वो मैंने सारी छान ली है और ये जो पल्प है इसे मैं एक बार और इस्तेमाल करूँगी, ऐसे नहीं फेंकेंगे। और आप चाहें तो इस तरह से गाढ़ी चटनी भी रख सकते हैं। अगर आपको स्टोर करके रखनी है 6 महीने तक तो इस तरह से गाढ़ी चटनी बना के रख लीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और अगर आप इंस्टेंट यूज़ करना चाहते हैं, अभी यूज़ करना चाहते हैं, आपको स्टोर नहीं करनी है, तो आप पतली चटनी बना सकते हैं। तो इस तरह से इसे ठंडा करके आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में करके फ्रिज में रख सकते हैं 6 महीने। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इसे थोड़ा सा पतला भी करूंगी और ये जो पल्प है ये भी हमारा यूज हो जाएगा। इसमें अभी काफी देख सकते हैं चटनी लगी हुई है। तो इसे मैं फिर से इस तरह से कढ़ाई में डाल दूंगी जितना भी पल्प है, और 1 गिलास पानी मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ ताकि जितना भी इसमें जो चटनी रह गई है वो भी सारी निकल जाए और हमारा जो मिक्सचर बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो इस तरह से ये जितना भी पल्प था वो मैंने वापस डाल दिया है और एक बार मैं इसमें से जितना भी सारा जितनी भी चटनी रह गई है वो सारी निकाल लेंगे। तो 1 गिलास मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है और गैस को हम हाई पे कर देंगे। बस इसमें बॉयल आने तक हमें इसे पकाना है। इसे इस तरह से पकने देंगे चलाते हुए ताकि जितना भी इसमें मिक्सचर बचा हुआ है, चटनी बची हुई है, वो सारी पानी के अंदर घुल जाए ताकि हमारा जो कुछ भी वेस्ट ना हो। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें बॉयल आ चुका है और जो चटनी है वो भी काफ़ी अच्छे से थिक हो चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे भी हम उतार लेते हैं और इसे भी दोबारा से छान लेंगे सेम जो हमने चटनी तैयार करके रखी है उसमें। तो ये जब हम ऐड करेंगे तो वो चटनी थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो अगर आपको स्टोर करनी है तो आप उसे गाढ़ा ही रहने दें, अगर आप इंस्टेंट यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह से पतला भी कर सकते हैं और पानी की क्वान्टिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इसे भी हम इस तरह से छान लेंगे उसी बर्तन में। तो अब ये जो पल्प बचेगा वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, उसे हम और ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो इसे अब हम फेंक देंगे, इसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें से सब कुछ जितना भी सारा पल्प था वो सारा निकल चुका है।
तो इस तरह से हम इसे छान लेंगे, जितना भी मिक्सचर है वो सारा इस तरह से छान लेंगे और ये पल्प अब हम डिस्कार्ड कर देंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से ये मैंने सारा छान लिया है और ये पल्प हम फेंक देंगे और ये देखिए नीचे सारी चटनी तैयार हो चुकी है और इसे ये देखिए हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे तो ये थोड़ी सी पतली हो गई है। तो अब इसे हम इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्टोर करनी हो तो इसे गाढ़ा ही रहने दें, अगर आपको यूज़ करनी है अभी तो इसे इस तरह से पतला कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से खरबूजे के बीज ऐड करेंगे। आपने देखा होगा मार्केट से जब हमें चटनी मिलती है गोलगप्पे के साथ या फिर भल्ले वगैरह में, तो इस तरह से उसमें खरबूजे के बीज डले होते हैं। आप चाहे तो इसमें काजू डाल सकते हैं, अंगूर डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप इसमें क्या डालना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर खरबूजे के बीज डाले हैं और इसे अब हम सर्व कर लेते हैं और आप इसे टेस्ट करके चेक भी कर सकते हैं कि सारी चीज़ें आपने परफेक्ट डाली हैं या नहीं डाली हैं, कहीं कुछ कम या ज़्यादा तो नहीं है। तो अब ये देखिए हमारी इमली की चटनी रेडी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा ये यम्मी बनती है और देखा आपने कितना आसान था इसे बनाना। तो आप इसे बनाकर 6 महीने तक स्टोर करके फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। तो इस बार होली पर आप इन दोनों चटनी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्टी चटनी बनती है, चाहे चाट बनाए, पकौड़ी बनाए, भल्ले बनाए, कुछ भी बनाए, टिक्की बनाए, तो सबके साथ ये दोनों चटनी जाती है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।